स्वच्छता की अलग जगाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी। स्वस्थ होन कार्यक्रम का आयोजन सेक्टर 20 की मार्केट में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त सुजान सिंह ने शिरकत की। उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने के साथ साथ समाज में स्वच्छता की अलग जगाना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। स्वच्छ होन जैसे कार्यक्रम के माध्यम से समाज में एक सामूहिक संदेश जाता है और यह कारगर सिद्ध होता है। इस तरह के कार्यक्रम से जहां आमजन आत्मीयता से जुड़ता है, वहीं उसके अंदर कार्यक्रम के उद्देश्य का भाव भी जागृत होता है। जैसा आप बैकड्रॉप में देख रहे हैं, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य था। उसके साथ साथ स्वच्छता सर्वेक्षण जो चल रहा है, उसमें सृजन फीडबैक, आप लोगों ने किस तरह से अपना मार्ग करना है, इसके बारे में जागरूक करने की एक ये पहल थी। और इसके साथ साथ क्योंकि आप देख रहे हैं भी पिछले एक साल से क्योंकि कोविड की वजह से कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था, तो हमने इस पर थोड़ा सोचा भी चाहे हम भीड़ थोड़ी कम करें इकट्ठी, और उसमें भी कोविड की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम मद्देनज़र रखते हुए लोगों की जो लाइफ है थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ आए, और इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो अपना एक संदेश पहुंचाने में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। तो इस चीज़ को हमने दिमाग में रखे इसका आयोजन किया। इसके साथ साथ आपने देखा बच्चों ने इसको मनोरंजक बनाने के लिए अपनी प्रस्तुतियाँ भी दी, बच्चों की ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी हम कहा, उनकी क्रिएटिविटी क्या है इसके बारे में, वो क्या स्वच्छता के बारे में सोचते हैं या और किस चीज़ के बारे में उनकी क्रिएटिविटी है, वो भी हम इसमें जानने की कोशिश की है। तो सभी स्कूलों का, कॉलेजेस का, स्पोर्ट्स विभाग का, स्वास्थ्य विभाग का, आप सभी का और जो भी सभी ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के जो लोग थे उनको हमने निमंत्रण किया, और आपने देखा भी लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ इसमें भागीदारी की। जबकि अब गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, फिर भी लोग समय से यहाँ पर 7 बजे से रजिस्ट्रेशन कराने आ गए थे, और हमने जो लक्ष्य रखा था उससे कहीं ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आए और इस स्वच्छता के प्रति जागरूक का जो दौड़ हमने की उसमें उन्होंने भाग लिया। मैं सभी का प्रशासन की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ, इस संदेश को आप अपने अपने माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँ। और लोग अपना सिटीज़न फीडबैक जो फॉर्म है उसमें हम कई बार पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उसके भी मार्क्स जुड़ते हैं। जब आपका स्वच्छता सर्वेक्षण में आपकी रैंकिंग आती है तो वो आप लोगों के माध्यम से ही संभव है, और आप लोगों का हमेशा से ही बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है हर स्कीम को लागू करने में और उसको लोगों तक पहुँचाने में। तो इसमें भी आप अपनी प्रमुख भूमिका निभाएंगे, ऐसा मैं आभार करता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ, और मुझे उम्मीद है आप सभी अपनी जो भूमिका है उसको बखूबी निभाएंगे। धन्यवाद। इसका उद्देश्य सबसे पहले तो यही था कि हम अवेयरनेस फैलाएं कैथल में कि स्वच्छ सर्वेक्षण आने वाला है, तो स्वच्छता की ओर एक पहला कदम। एक इसमें इसके दो पहलू थे, एक तो हमारे लिए स्वच्छता उतनी ही इम्पॉर्टेंट है इसीलिए इसका नाम स्वच्छथॉन था, और मैराथन इसीलिए क्योंकि हमें स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो ये दो मैसेजेस कि स्वच्छता और स्वस्थ रहना ये ज़रूरी है, इसी उद्देश्य से हमने ये आज दौड़ कराई थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई जैसे कि कल्चरल कॉम्पिटिशन्स, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स एंड दी मैराथन, एंड वी हैव अवॉर्डेड ऑल कैटेगरीज़ जो बिलो 15 भी थे एज ग्रुप में, जो उससे ऊपर भी थे और आगे भी। आने वाले समय में हम बहुत सारी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करने वाले हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्वॉल्व कर जिससे कि स्वच्छता का जो मैसेज है वो हर घर तक पहुँचे और हमें स्वच्छ सर्वेक्षण में हेल्प करे आगे।